सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र सिंह महंत अपने YouTube चैनल सलुवा उत्तराखंडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं अभी डोबरा चांठी पुल के बहुत नज़दीक। आप देख सकते हैं पीछे, ये है डोबरा चांठी का सुंदर पुल है। ये है टिहरी झील, टिहरी झील का सुंदर दीदार आप कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं सामने पहाड़ी पे जो है नई टिहरी का शहर, सुंदर शहर बसा हुआ है दोस्तों। और अभी मैं दोस्तों उत्तरकाशी से जा रहा हूँ देहरादून की ओर। धोंतरी लमगांव होते हुए चांठी गांव में पहुंच चुका हूँ। चांठी गांव है दोस्तों, और सामने है ये देखिए, आज सामने डोबरा गांव है। और डोबरा और चांठी के नाम से ये पुल यहाँ पे बना है। ये THDC द्वारा जो है टिहरी डैम में जो है बहुत बड़ा पुल यहाँ पे बनाया गया है। हम दोनों जा रहे हैं देहरादून, और डोबरा चांठी पुल का सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और ये टिहरी झील का सुंदर नज़ारा आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, ये आप देखिए। दोस्तों आप देखिए, ये है डोबरा चांठी पुल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे YouTube चैनल सैलू भाई उत्तराखंडी में। टिहरी झील का जल स्तर दोस्तों आजकल बहुत घट चुका है दोस्तों, ये आप देखिए, ये आप निशान देख सकते हैं, ये और बार जो है काफ़ी ऊपर तक झील भर जाती है, लेकिन आजकल पानी कम हो गया दोस्तों गंगा भागीरथी में, और इसलिए ये जो है झील का जलस्तर बहुत घट चुका है। ये आप देखिए, यहाँ तक पानी जो है आ गया है डाउन। और ये है डोबरा चांठी पुल का सुंदर नज़ारा। ये चांठी गांव है दोस्तों, प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र का। ये आप देखिए दोस्तों, वाह सुंदर लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देखिए, बहुत बड़ा पुल है दोस्तों, बहुत लंबा पुल है, और इसको बनने में कई वर्ष लगे दोस्तों। और ये पूरे टिहरी क्षेत्र के, प्रतापनगर क्षेत्र का जो है एक लाइफ लाइन इसको कहा जाता है। ये आप देखिए दोस्तों, वाह सुंदर। देखिए चांठी गांव से आगे निकलते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही सुंदर लोकेशन है दोस्तों हमारे पहाड़ उत्तराखंड से। दोस्तों आप देखिए, ये डोबरा चांठी पुल, और डोबरा चांठी पुल बनने से जो है ये पूरे क्षेत्र को जो है बहुत फायदा उसका हुआ है दोस्तों। लेकिन ये कम से कम 10 से 15 साल के बीच में बना है, और 10 से 15 साल इसको बनने में लगा है दोस्तों। उस बीच में जो है यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने जो है बहुत परेशानियाँ झेली दोस्तों। घनसाली से उनका सामान आता था, या उत्तरकाशी से सामान आता था दोस्तों, बहुत लंबी दूरी तय करके जो है वो लोग जो है अपना सामान लाते थे। और आज जब ये पुल बन गया है दोस्तों, तो ये पूरे क्षेत्र को जो है उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। और ये टिहरी झील बनने से जो है दोस्तों, ये नीचे पुल थे वो डूब गए थे, और टिहरी झील बनने से जो है लगभग यहाँ पे दर्जनों गांव यहाँ पे जो है टिहरी झील बनने से जो डूबे हैं दोस्तों, जिनका विस्थापन यहाँ से बाहर हुआ है दोस्तों। और कई अपने गांव की कुर्बानी दी है, अपने पुश्तैनी मातृभूमि को छोड़ा है दोस्तों टिहरी डैम के लिए, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष का हमारा जो है विकास का प्रतीक था दोस्तों। ये टिहरी डैम जो बना है दोस्तों, यहाँ से जो है लगभग करोड़ों रुपए पर डे की इनकम होती है गवर्नमेंट को, और ये हमारे लोगों ने इसका बलिदान दिया है, अपने थाती और माटी को छोड़ा है दोस्तों, और तभी ये डैम बन पाया, और हजारों हजारों लोगों का विस्थापन यहाँ से हुआ है दोस्तों, जो कि आज शहरों को रहने को मजबूर है दोस्तों। यहाँ पे उनके गांव खेत खलियान थे, और वो सब उन्होंने छोड़े हैं इस डैम के वजह से। और मैं तो भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए दोस्तों, उत्तराखंड के लोगों को, टिहरी जिले के लोगों को, विशेषकर जिनका यहाँ से विस्थापन हुआ है उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सरकार से निवेदन करता हूँ कि उन लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए जिन्होंने अपना खेत खलिहान छोड़ा है, अपनी थाती और माटी को छोड़ा है, उनको इसका फ़ायदा आज की डेट में होना चाहिए। और यहाँ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को दोस्तों, जिन्होंने इतनी कठिनाइयाँ झेली है, उनको आज बिजली की जो दरें हैं उसमें रियायत मिलनी चाहिए उत्तराखंड सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। और आप भी टिहरी झील का दीदार करने अवश्य आएँ दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा। दोस्तों डोबरा चांठी पुल देश का सबसे पहला झूला पुल है, जिसकी लंबाई 725 मीटर है, जो कि भारी वाहन चलाने लायक है, और इसकी समुद्र तल से 850 मीटर की ऊंचाई पर पुल बना है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पुल है दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही
लाइफलाइन है इस क्षेत्र की। ये आप देखिए, और ये आप देखिए काफी लंबा स्पान इसका है दोस्तों, और 15.5 टन ये जो है इसकी क्षमता है, इसमें जो है वजन जा सकता है। इसमें काफी पर्यटक यहाँ पे आते हैं टिहरी झील में, जो कि पानी के ऊपर रहना पसंद करते हैं, और यहाँ पे आते हैं और बहुत ही सुंदर दीदार यहाँ टिहरी झील का करते हैं दोस्तों, पहाड़ियों का करते हैं। ये चारों तरफ बहुत सुंदर पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये आप देखिए बहुत ही हसीन वादियां हैं दोस्तों पहाड़ों की। और आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग भी टिहरी झील में यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, टिहरी झील का सुंदर दीदार कर सकते हैं। टिहरी झील की लंबाई दोस्तों लगभग 45 से 50 किलोमीटर लंबाई इसकी है दोस्तों। चिन्याली सौड़ द्रासू बड़ेती से लेकर के और घनसाली तक ये टिहरी झील की लंबाई है दोस्तों। बहुत लंबी झील है दोस्तों, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आजकल पानी बहुत कम है दोस्तों, और बार पानी ये आप देखिए पीछे ये निशान पड़े हुए हैं, इतना पानी यहाँ पे भर जाता है दोस्तों। जो बरसात होती है पानी जब माँ भागीरथी में बढ़ जाता है, उस समय यहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ डोबरा गाँव, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे डोबरा गाँव है यहाँ पे, और सामने आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने पहले आपको वीडियो दिखाई थी वो है चांठी गाँव। पुरानी टिहरी का जो जिला मुख्यालय था वो पूरा डूब गया है टिहरी झील में, और डूबने के कारण जो है नई टिहरी शहर बसाया गया है। ये नई टिहरी शहर जस्ट ऊपर है, काफ़ी हाइट में दोस्तों। वहाँ पे बहुत सुंदर आजकल मई जून में जो है बहुत अच्छा वहाँ का क्लाइमेट रहता है, अच्छा मौसम वहाँ पे रहता है दोस्तों। और हम चंबा होते हुए जाएंगे दोस्तों ऋषिकेश, ऋषिकेश से जाएंगे देहरादून। मैं बहुत सुंदर व्यू आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और रात को यहाँ पे दोस्तों बहुत सुंदर लाइटिंग होती है, कई प्रकार की लाइटें यहाँ पे जलती है दोस्तों। लेकिन अभी हमें निकलना है आगे, काफ़ी लेट हो चुका हूँ इसलिए मैं आपको रात का सुंदर दृश्य नहीं दिखा सकता हूँ इस ब्रिज का। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इस ब्रिज का बहुत सुंदर रात्रि व्यू दिखाऊँगा, और आज मैं आपको दिन में सुंदर नज़ारा डोबरा चांठी ब्रिज का दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं पूरे दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर लाइटें यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों, रात को जलती है तो पूरा पुल जो है पूरा इस क्षेत्र में जो है जगमग हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स यहाँ पे बने हुए हैं, और बहुत सुंदर हट्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। और ये 22 हट्स यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप आ सकते हैं, रह सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। एक दिन मैं आपको इसके अंदर लेके जाऊँगा और बहुत सुंदर वीडियो इसका यहाँ से दिखाऊँगा इन हट्स में। बहुत ही सुंदर लोकेशन है दोस्तों, और दोस्तों आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। ये देखिए कई बोट यहाँ पे आप देख सकते हैं झील में यहाँ पे बोटिंग। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा दोस्तों। यदि आपको ये आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें, और जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं दोस्तों उन लोगों से निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली हर वीडियोज मेरी आपको सबसे पहले दिखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।